आज हम प्याज के समोसे का कुछ अलग ही ट्विस्ट देकर बनाने वाली हूँ, तो इस रेसिपी को आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी और काफ़ी टेस्टी ये रेसिपी बनी है। तो यहाँ हमने मैदा लिया है, मैदे को अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और दो बड़े चम्मच इसमें मैं घी डालूंगी, जिससे कि काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। आप घी के जगह पे फ्रेंड आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत ही अच्छा और काफ़ी टेस्टी बनता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करके बनाइए। तो इस तरह से घी और मैदा और नमक तीनों को मिक्स करके अच्छा सा एक डो बना करके रेडी करेंगे। मैदा इसमें एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि जब आप मैदे में घी या कुकिंग ऑयल जो भी डालेंगे, तो उसको मिक्स करने के बाद इतना होना चाहिए कि जब आप आटे को दिखाती हूँ, ये मिक्स करने के बाद जब इस आटे को इस तरह से मुट्ठी बांधे, तो ये इस तरह का बंधना चाहिए, तभी आपका ये जो बनाओगे क्रिस्पी स्नैक्स, तो वो अच्छा सा क्रिस्प बन करके रेडी होगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने घी, आटा और मैदा और नमक को मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो भी नहीं, हार्ड भी नहीं, बस जस्ट रोटी के तरह एक अच्छा सा डो बना करके हम रेडी कर लेते हैं। ये इस तरह का डो लगा करके हमने रेडी कर ली हूँ, और इसे ढक करके रख देते हैं। तब तक हम इसकी फिलिंग्स को तैयार करेंगे, काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनानी है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम होने रख दिया था, और कुकिंग ऑयल भी डाल करके गरम कर ली हूँ। जब तक ये ऑयल गरम नहीं होगा, तब तक यहाँ पे मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ फ्रेंड। आपको जो ऑयल पसंद है, जो कुकिंग ऑयल खाते हैं, उस ऑयल में बनाइए। तो सरसों तेल का है कि थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए, ताकि इसमें जो कड़वापन है वो निकल जाए धुएं से। तो यहाँ पे हमने जीरा लिया है, जीरा को क्रैकल करने डाल दूंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये हरी मिर्चें ली हूँ, इसमें डाल देना है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके आप ले सकते हैं। अदरक का, हमने अदरक को कद्दूकस करके लिया है, एक इंच अदरक को कद्दूकस कर ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। और ये प्याज, प्याज को भी हमने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, प्याज को भी डाल देना है। और हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज को हल्का क्रंची ही रखना है। तो इसे भूनते हुए हमें मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के लिए प्याज को भून लेते हैं। ये प्याज काफ़ी अच्छा सा भून गया है, अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इस तरह का क्रंचीनेस होना चाहिए प्याज में। इसमें हम इसी स्टेज पे सौंफ डालेंगे, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले ली हूँ, जिसमें कि गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, धनिया जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, और हल्दी थोड़ी सी, टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है, जिससे कि काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो इन सब को डाल करके भूनना है, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट भून करके इसे, पानी नहीं डालेंगे इस समय, नहीं तो अक्सर मैं मसाले भूनते समय थोड़ा पानी का यूज करती हूँ, तो पानी नहीं डालना है एकदम ही। मेरा अभी गैस का फ्लेम एकदम ही स्लो है, और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज खुद नमक डालने सॉरी प्याज में नमक जब डालेंगे, तो थोड़ा ये पानी रिलीज करेगा, जिससे कि मसाले थोड़ा अच्छा सा भून जाएगा।
और हमने नमक उतना डाला है जो हमारा स्टफिंग तैयार होगा। इसी समय हमने सारे नमक जो भी जितना चाहिए उस हिसाब से मैंने डाल दिया है। अब इन मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने एक बॉयल आलू लिया है और इसे हमने रफली ऐसे ही मैश कर ली हो। इस आलू को अच्छा सा मिक्स कर लेना है, इसमें कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे और थोड़ा आलू भी हमारा भून जाएगा और ये साथ में मसाले भी अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसे हम भून करके रेडी करते हैं। ये आलू और मसाले काफी अच्छा सा मिक्स हो गए। इस स्टेज पे हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, इसे डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा और काफी चटपटी सी टेस्ट आती है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस का यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये चाट मसाले तो मिक्स हो गए। हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए ये भुना हुआ चना का आटा है, ये चना दाल को हमने रोस्ट करके और इस तरह से पाउडर बना लिया है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप बेसन को लीजिए, हल्का सा उसे तवे पे रोस्ट कर लीजिए। तो 1 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे बेसन का यूज किया है, भुना हुआ बेसन का। इसे हम मिक्स कर लेंगे और हम इस समय गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम नीचे उतार लेते हैं। उतारने के बाद इसे हम थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे जिससे कि हमारी स्टफिंग करने में आसानी से हो जाए। तो ये तो सारे भुने हुए मसाले जो भी थे सारा कुछ मिक्स हो गया, भुना हुआ जो बेसन हमने डाला वो भी। अब इसी समय में ये धनिया पत्ती ली हूँ, इसे भी डाल दूंगी और इसे भी हम मिक्स करके और इसी तरह से थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसे हम इसी प्लेट में पलट करके ठंडा होने के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। तो मिलते हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद, जब ये स्टफिंग ठंडा हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा सा ठंडा हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब इसे साइड करेंगे और ये जो हमने आटे को तैयार करके रखी हूँ इसे हल्का सा मसल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और काफ़ी अच्छी ये रेसिपी है फ्रेंड, इसे ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। एक पोर्शन लेंगे, बाकी को ढक देते हैं और इसे एक पतली चपाती के तरह बेल करके रेडी कर लेना है। कोशिश कीजिए कि क्रैक्स ना हो, अगर क्रैक्स रहेंगे तो फ्राई करते समय इसे हमें पतली चपाती के तरह बेलकर रेडी करते हैं। इस तरह से हमने इतने पतले देख सकते हैं कि बेल करके रेडी कर ली हूँ। तो अब हम इसके साइड से इस तरह से कट कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा है उसे मैं निकाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छी और काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा अगर इस तरह से आप बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने निकाल ली हूँ और इसमें से मैं 3 पार्ट करने वाली हूँ। ये 2 और ये 3 एक्स्ट्रा को इसमें। एक पार्ट साइड करेंगे और इस पोर्शन में थोड़े थोड़े फिलिंग्स को लूंगी और इस तरह से बीच में रख दूंगी। बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से ट्राई करेंगे। तो ये इस तरह से रखने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इधर भी छोड़ा, इधर भी छोड़ी हुई हूँ, इतना ओपन रखना जरूरी है। और हमने यहाँ पे पानी लिया है, आप यहाँ पे चाहे तो मैदे का
घोल भी आप बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा वो बाद में वो अलग तरह सा चुई सा हो जाता है। तो देखिए मैंने इस पोर्शन में और इस पोर्शन में पानी लगा ली हूँ। अब हम इस साइड से उठाएंगे इस तरह से, और उठाते हुए इस तरफ पुश कर दूंगी। इसे हमें इस तरह से पैक करना है जिससे कि इसमें से ये फिलिंग्स बाहर निकल कर नहीं आए। तो देखिए पूरा हमने इसका पैक कर दिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसे काट के निकाल देंगे। उसके बाद हल्का सा पानी फिर इस पे अप्लाई करेंगे इस तरह, और इस तरह से रोल कर देंगे। देखिए कितना अच्छा, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है उसे मैं हल्का सा कट कर दूंगी और इस तरह से रोल करते हुए हम सारे को इसी तरह से स्टिक तैयार कर लेते हैं। आप इसे बोल सकते हैं समोसा स्टिक। तो इसी तरह इसको इस तरह से पैक कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें ना जा सके। तो दूसरी सीट भी आपको लेकर के मैं बता दूं कि किस तरह से हमें बनाना है। तो इस तरह से जब आपने सीट तैयार कर लिया तो इसमें थोड़े थोड़े फिलिंग्स को, स्टफिंग को इस तरह से डालिए। बहुत अच्छा और काफ़ी टेस्टी ये स्नैक्स बनेगा। आप चाहे तो इसका क्या अच्छा सा नाम हो सकता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या नाम हो सकता है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। उसके बाद पानी लूँगी फिर से इधर इस तरह से एक लाइन सा बनाकर इस तरह चिपका देना है हमें। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद इधर से ये पोर्शन को उठाऊंगी और इस तरह से दबा देंगे। सारे स्टिक को मैं इसी तरह बना करके रेडी कर लेते हैं। ये इस तरह से हो गया, जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हल्का सा पानी फिर इस पर और इस तरह से रोल कर लेंगे। तो दूसरी स्टिक भी हमारी बन करके रेडी हो गई। तो इसी तरह सारे स्टिक को मैं बना करके रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से हमने सारे स्टिक बना करके रेडी कर लिए हैं। और इधर कुकिंग ऑयल भी गर्म होने रख दिया है, अच्छा खासा गर्म हो गया है ऑयल हमारा। तो एक स्टिक को उठाएंगे और इसमें ऑयल में एकदम ही लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्प करके एकदम ही फ्राई कर लेना है पलट पलट कर। हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो ये जल जाएगा और ऊपर से तो आपको कलर दिख जाएगा लेकिन अच्छा सा क्रिस्प नहीं होगा। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इसी तरह से टर्न करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हमने एकदम ही टर्न करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके रेडी कर ली हूँ और ये बहुत ही अच्छी और काफ़ी टेस्टी बनी है फ्रेंड। इसे ज़रूर आप ट्राई करके देखिए, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है। तो इस तरह से मैंने सारा फ्राई करके रेडी कर ली हूँ, इसे ज़रूर आप ट्राई करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। अगर इस तरह का आप बना रहे हैं तो सो यमी और काफी टेस्टी। मैं तो इसे बड़ा बनाती हूँ और मुझे बहुत बहुत पसंद है ये। आप इसे कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, काफी टेस्टी और अच्छा लगेगा। तो इसे जरूर आप बताइए, हमें भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये बना करके कैसा लगा। आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए गर्म है लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और एकदम खुशखुशी बनी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।